ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनाइड्स या ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसको कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, जहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होते हैं, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं हम, लूज होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पहले इसके पहले वाली कंसेप्ट हमने देखी है वो क्या कहते हैं, क्या कहती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर चाहे पॉजिटिव अगर चाहे है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब कोई मेटल अगर चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है ना, क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सोडियम भी मेटल है, हमने देखा है, या स्कैंडियम भी देखते हैं हम लोग, है ना। तो सोडियम अगर चाहे मेटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है ईजीली, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हमें सभी को पता है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज है ना, कौन सा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर हम Na प्लस लिखते हैं। और कोई अगर से दूसरे स्पेसी जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है ना, दूसरे स्पेसी जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लैंथेनाइड्स के केस में अगर से बात करें तो लैंथेनाइड्स क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि लैंथेनाइड्स प्लस थ्री बताते हैं, जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, प्लस थ्री बताते हैं। अब ये प्लस थ्री कैसे बताएंगे, जहाँ पे क्या होता है कि यस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन है ना, और उसके बाद एक तो एफ में या फिर डी का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग में आते हैं, बॉन्डिंग में आते हैं, तो इससे क्या होता है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, कॉमन सभी के लिए। दो इलेक्ट्रॉन यस से आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एफ से आए या फिर डी से आए, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, तीन। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही लैंथेनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस थ्री होता है, क्या होता है, प्लस थ्री होता है। अब कुछ केस के अंदर में प्लस टू भी बताते हैं और कुछ केस के अंदर में प्लस फोर भी बताते हैं, लेकिन जनरली अगर से देखें हम लोग है ना एवरेज लेवल पे, तो क्या बताते हैं, प्लस थ्री बताएंगे। कुछ केस में क्या होता है, प्लस टू भी होता है, कुछ केस में प्लस फोर भी रहेगा, है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे प्लस फोर में सीरियम भी है, एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, है ना। सीरियम क्या करता है, प्लस फोर भी बताता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अगर से लैंथेनाइड्स की अगर से बात करें हम लोग सीरियम के बारे में, या फिर हो सकता है यूरोपियम के बारे में, तो ये प्लस टू प्लस फोर ऐसे बताते हैं। यटरबियम है, ठीक है। चलो कलर एंड स्पेक्ट्रा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, कलर एंड स्पेक्ट्रा। कलर एंड स्पेक्ट्रा मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेटल्स क्या करते हैं, है ना, मेटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, क्योंकि पेयर्ड अगर जो होंगे तो उनकी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब क्या होंगे, पेयरिंग में अगर जो होंगे तो एक जगह पे रहेंगे, लेकिन अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करते वक्त में क्या करते हैं कि मान लो कि कोई एलिमेंट को हमने क्या किया, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लाइट के कॉन्टैक्ट में अगर से रख दिया, ओपन लाइट में, है ना, तो वो क्या करेगा, अलग वेवलेंथ की लाइट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा वही उसका क्या होगा, कलर बनेगा। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है ना। तो मेटल्स क्या करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के मेटल कंपाउंड्स हमें लेबोरेटरी में भी देखने मिलते हैं, तो क्या कंपाउंड क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी या जो वेवलेंथ की लाइट क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, तो वही उसका क्या होता है, कलर होता है ना, वही उसका क्या बन जाता है, कलर होता है। जैसे वेबग्योर कहते हैं, तो उसके अंदर में सात कलर हमें नज़र आते हैं, तो सात कलर में से कोई भी लाइट की है ना वेवलेंथ वो एब्सॉर्ब करेगा, और उसके हिसाब से उसका कलर भी वही बनेगा, है ना। तो ये कलर उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कहा हमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस थ्री होता है। यहाँ पे हम यम प्लस थ्री भी कह सकते हैं, यम स्टैंड्स फॉर मेटल फ्रॉम लैंथेनॉइड सीरीज, तो उसको हम बता सकते हैं, यम प्लस थ्री बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कलर्ड होते हैं, ठीक है। कैसे कंपाउंड होते हैं, कलर्ड होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, तीन है, क्योंकि प्लस थ्री बता रहा है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, तीन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैंथेनॉइड
क्या करते हैं, लैंथनाइड कंपाउंड्स और लैंथनाइड एलिमेंट्स शो कलर्ड कंपाउंड्स वेन एवर। और एक चीज़ हमने देखी है कि मेटल्स क्या करते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे क्यों बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना, तो उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या, नहीं। एक मरतबा इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दूसरे जो होते हैं, अब हमें और एक चैप्टर देखना है तो उसके अंदर में देखेंगे हम लोग। तो दूसरे जो होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं ऐसे कंपाउंड लिख रहा हूँ K4Fe, है ना, CN क्या होता है, ये 6, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, K4FeCN6। यहाँ पे पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर में चार्ज कैसे होगा, ये +4, क्योंकि कितने यहाँ पे, सॉरी ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो पोटेशियम क्या करेगा, चार पोटेशियम में एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चारों के पास में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो कितने हैं पोटेशियम आयन, 4 हैं, तो ये 4 जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, Fe, हाँ, CN6, इसके ऊपर में हम क्या बता सकते हैं, -4 ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये -4 जो नज़र आ रहा है ना, है ना। अब यहाँ पे मेटल कौन सा है, आयन है, तो आयन के साथ में ये क्या करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे तो ये क्या करेंगे, लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ये लूज करेंगे और ये डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल आइटम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होने लगेगा। जैसे मान लो कि ये Fe है ना, ये ऐसे टाइप्स, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेंगे, ये CN, ये क्या रहेगा, ये CN ऐसे, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, CN, ये ऐसे टाइप के कंपाउंड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो लिगेंड्स होंगे, है ना, और ये मिड सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। तो ये और एक चैप्टर आएगा तो उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आता है उसके अंदर में, ठीक है। तो ये कलर्ड मतलब किस लिए होते हैं, क्योंकि ड्यू टू क्या करते हैं ये लोग, ट्रांजिशन कैसा होता है, FF ट्रांजिशन होगा, तो उसके वजह से यहाँ पे लैंथनाइड आयन के कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, जिसके अंदर में जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है विजिबल, तो वो एब्सॉर्ब करेंगे, उसकी वजह से कलर भी क्या होते जाएंगे, उनके चेंज होते जाएंगे, जो कलर एब्सॉर्ब करेंगे उसी के हिसाब से उनका कलर शो करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, मैंने इसके पहले भी आपको लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताया है लास्ट के लेक्चर में, है ना, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, हमने कल क्या कहा था, प्रॉपर्टीज़ के अंदर में लैंथनाइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो उनका एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, है ना। तो उसके अंदर में और क्या होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक और आयनिक रेडिया डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होता जाएगा, मतलब क्या होगा कि सिकुड़ते जाएंगे, है ना, डायमीटर कम कम होता जाएगा, तो उसके अंदर में लैंथनाइड क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं एलिमेंट्स, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। और हर एलिमेंट में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज एक से बढ़ने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर से एक बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी एक से क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ता है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, चार्ज एक से क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो चार्ज एक से बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक से चार्ज क्या हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया, है ना, ठीक है। लैंथनाइड सीरीज के अंदर में जो एफ शेल होती है, जहाँ पे डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटर करता है, तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लास्ट में एंटर करेगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा, एफ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहीं पोजीशन चेंज करेगा, है ना, तो वो ट्रांजिशन क्या होने लगते हैं, FF ट्रांजिशन के टाइप में दिखाने लगते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन हैं ठीक है, एप्लीकेशन हैं हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम लोग उसको, अप्लाई करेंगे ठीक है। अब बहुत सारे इसके अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कलर कंपाउंड होते हैं उसको यूज़ करते हैं है ना, फिर वो चाहे इंडस्ट्रीज़ में हो या डेली लाइफ में हो तो उसको यूज़ किया जाता है ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, सिर्फ एक ही कंपाउंड है ना जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होता है। कौन सा कंपाउंड है बताइए, नॉन रेडियो एक्टिव है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बोलिए कौन सा था। हाँ कौन सा था बेटा, कौन बताएगा, प्रोमेथियम है ना, एक ही है जो क्या करता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव रहेंगे ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है कि लैंथेनाइड के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं सीरीज के, तो वो सारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, सिर्फ प्रोमेथियम ही क्या होगा, नॉन रेडियो, मतलब करेक्ट ऑप्शन का है ना, हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। और क्या क्या है, हम जो टेलीविजन के सेट देखते हैं ना घर में, जो उसके अंदर में ट्यूब नज़र आती है आपको, उसके अंदर में भी यूज़ करते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पिक्चर के फॉर्म में, कलर ट्यूब जो आते हैं, जो कलर हमें नज़र आता है अलग अलग ठीक है। ट्यूब को अंदर से कोट किया जाता है, आप कभी देखा है उसको, ट्यूब अंदर से कभी फोड़ के वगैरह, कभी कोई मतलब पुरानी वाली आती है जो यूज़ नहीं कर रहे तो उसको अगर से देखेंगे आप लोग, तो ट्यूब जो होती है उसको अंदर से ओवरलैपिंग की जाती है अंदर से कलर्स की मिक्सचर। लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, 3 से 4 एलिमेंट्स का मिक्सचर क्या क्या करते हैं उसके अंदर में कोट करते हैं अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो जो कलर होते हैं अंदर से, तो वो क्या करते हैं, स्मॉल वेवलेंथ जिसकी होती है वो कलर्स क्या करते हैं उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कलरेशन या कलर टेलीविज़न कहते हैं हम लोग, नज़र आता है ना हमें ठीक है कलर वाला। अब ब्लैक एंड वाइट का वो अलग था है ना, जिसके अंदर में हमें दो ही कलर, एक ब्राइट वाइट होता था और एक ब्राइट डार्क मतलब ब्लैक होता था, और एक दो ही चीज़ें यूज़ करते थे, ब्लैक और वाइट है ना, कोई थोड़ा सा शेड डार्क रहेगा थोड़ा है ना टीका ऐसा इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मिक्सचर अगर सपोर्ट करके अगर अंदर लगाएंगे तो स्मॉल इंटेंसिटी की लाइट एब्सॉर्ब करेंगे, उसी से हमें सामने पिक्चर कैसी नज़र आती है, कलर आती है, क्योंकि अलग अलग कलर वो क्या करते हैं, शो करने लगते हैं ठीक है। लैंथेनाइड्स आर यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स, ऐसे दिया हुआ है नोटबुक के अंदर, लैंथेनाइड्स आर यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स देन सुपर कंडक्टर्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं, तो उसके अंदर में भी लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मतलब उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो ठीक है। एक्टिनॉइड को बाद में देखेंगे हम लोग, एक्टिनॉइड बाद में देखेंगे।
एक्टिनोइड्स लेटर ऑन नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे।